हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आइकॉनिक हॉरर स्टोरी। मैं आपके लिए लेकर आया एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे जानने के बाद आपकी रातों की नींद खराब हो सकती है। वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये कहानी राजस्थान के छोटे से गांव अनूप नगर की है। सुबह का समय, सभी लोग अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। वो सभी लोग शाम होने से पहले ही अपने घर में आ जाते थे, क्योंकि इस गांव के बीचों बीच एक हवेली है जिसे सब भूतिया हवेली कहते हैं। सबका यही मानना है कि यहाँ बहुत सारी आत्माएं रहती है। शाम होते ही इस भूतिया हवेली से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, और एक माँ जो अपने बच्चे को चुप कराती है, और आधी रात होने होते ही दर्दनाक चीखे चिल्लाने की आवाज़ें, हमें बचाओ इस आगे से। और ऐसा हर दिन होता है, यहाँ बच्चे को रोने की आवाज़ और आग से बचाओ यहाँ आवाज़ें रोज सुनाई देती है। कोई कहता है दो आत्माएं देखी, तो कोई कहता है नहीं, पांच आत्माएं। सब एक एक करके भूतिया कहानी बताते हैं, इसलिए सब फैसला करते हैं कि शाम के वक्त भूतिया वाले पर कोई नहीं आएगा। यहाँ के मुखिया ने यही फैसला लिया कि कुछ लोगों ने वहाँ आत्माएं देखी है, और हम नहीं चाहते कि वो हमें नुकसान पहुँचाए, तो हमें अपना बचाव खुद करना होगा। एक बुजुर्ग बाबा बैठकर से उठ के बताते हैं कि उस हवेली में दो नहीं, पांच नहीं, पूरे सात आत्माएं हैं। उस भूतिया हवेली में कई सालों पहले एक परिवार उसमें आग लगने की से मर जाता है। कैसे वो आग लगी या किसने वहां आग लगाई, कुछ पता नहीं चला। उस भूतिया हवेली का एक व्यक्ति बचा हुआ है, और वो भी पागल बन कर घूम रहा है। वहाँ हवेली जल के पूरी तरह काली हो गई। तब से यहाँ भूतिया हवेली की कहानी सुना के सभी लोग यही फैसला करते हैं कि आज हम शाम होते ही वहाँ कोई नहीं जाएगा। सभी लोग उस बुजुर्ग बाबा की बात मानते हैं। ऐसे ही इस गांव में चलता रहा। मगर कुछ समय बाद एक किसान देर रात से अपनी खेती के रखवाली कर रहा था, क्योंकि उसके खेत में काफ़ी चोरी हो रही थी। तो जब वहाँ से गुजरता है, तो उससे काफ़ी देर हो जाती है, और वहाँ सोचता है कि हवेली के रास्ते से चला जाता हूँ, मगर शायद यहाँ उसका काफ़ी गलत फैसला था। वहाँ जैसे आगे बढ़ता है, चार डाकू उसे के लूट के मार देते हैं, और गांव में अफवाह फैला देते हैं कि यहाँ काम उस भूतिया हवेली की आत्माओं का है। इससे उस भूतिया हवेली का खौफ और बढ़ जाता है, और यहाँ चार डाकू सोचते हैं कि ऐसे भूत की कहानी से सब में डर फैला देंगे, ऐसे ही अफवाह फैला देंगे, अब से ऐसा ही करेंगे हम और अकेले। अगले रात जब उन्हें रात को कोई नहीं मिलता, तो वहाँ उस हवेली में घुस जाते हैं उन चार साथियों में से एक चोर। क्या दोस्तों, किसी गुजारा चलेगा? तभी उनमें से एक डाकू कहता है, गाना बजाओ ना। एक अपनी मोबाइल निकाल के गाना बजाता है, बहुत वंतजा, जरा पास आ, जरा पास आ, जरा तेरे नैना करने लगे बातें, यहाँ तो है शरारते। वैसे ही गाना बंद हो जाता है, और उस भूतिया हवेली में एक बुजुर्ग आत्मा कहती है, बहुत दिनों हो गए मांस नहीं खाया, अब मजा आएगा। फिर एक औरत की आत्मा कहती है, ठीक है ससुर जी। उसके साथ एक आत्मा जो कहता है, नहीं पिताजी, इसमें से एक आत्मा का शरीर हमें काम आ जाएगा, यहाँ से बाहर जाने के लिए हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। अब कहानी को समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें सात आत्माएं हैं, एक बुजुर्ग और दो भाई की, और उनमें से एक भाई की शादी हो गई है और उनके दो बच्चे थे, और एक गांव का नौकर की आत्मा और परिवार का सदस्य जो बच गया था, वहाँ बुजुर्ग व्यक्ति का भाई था, वहाँ भी पागल है और जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है। तो वहाँ कहता है, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। वहाँ आत्मा जिसने यहाँ विचार दिया, उसका नाम सुयश था, और उन डाकू में से एक व्यक्ति को छोड़ के सबको मार देते हैं और मज़े से मांस खाते हैं, और सुयश उसके शरीर में चला जाता है और उस भूतिया हवेली से निकलने से कामयाब रहता है, और कहता है कि मैं जल्द लौटूंगा। अब सुयश सोचता है कि हमें मुक्ति नहीं मिली तो हम पूरी जीवन नहीं काटनी होगी, हमें उस व्यक्ति को जल्द से जल्द पता लगाना होगा।
अब वहाँ गांव में लोगों से उस व्यक्ति का नाम पता ये पूछता है जिसे वहाँ ढूंढ रहा था, जिसका नाम राजीव था। और पता लगता है कि उसे मालूम चलता है कि वहाँ गांव छोड़ के चला गया, मगर इस गांव के साल में बड़े मेले में आएगा। वहाँ यहाँ सब पता लगा हवेली में आता है, कहता है कि वहाँ इस गांव के मेले में आएगा। बुजुर्ग आत्मा बताती है, ठीक है अब समय दूर नहीं बेटा, चिंता मत करो, वैसे ही उसे मारेंगे हम। अब राजीव गांव में आता है और सभी लोग से मिलता है और गांव की जानकारी लेता है, क्या चल रहा है गांव, क्या नहीं। वहाँ काफ़ी अमीर हो गया था, पहले वहाँ एक छोटा व्यापारी था। गांव के मेले में सुयश आता है और सारी आत्मा भी उसी डाकू के शरीर में थी। एक डाकू के शरीर में 7 आत्मा है। वहाँ राजीव आराम से एक जगह बैठ के मेला देख रहा होता है। गांव के लोग सब व्यस्त थे इधर उधर और सुयश सभी के सामने उस राजीव को जला के मार देता है और वहाँ बताता है कि क्या हुआ था उस हवेली में और क्या राज है उस भूतिया हवेली का। सुबह का समय था, सब लोग व्यस्त थे अपने दिनचर्या में। हमें पता लगता है कि एक व्यक्ति बाहर से दवाई ला रहा है जो गांव की खेती के लिए काफ़ी फायदेमंद है, मगर हम गलत थे। वहां बस रासायनिक तत्व थे जिनसे फसल और बर्बाद हो जाती थी। तो जो गांव ने पैसे दिए थे जोड़ के उस दवाई के लिए हम उन्हें बताने जा रहे थे, मगर शाम होते ही हमारे घर के बच्चे रोने लगे जैसे ही कुछ बुरा होने वाला है, और उनकी माँ उन्हें चुप कराती क्योंकि हमने बहस की थी। छोटे व्यापारी राजीव से और धमकी भी दी, ऐसा ना करे, यहाँ तुम सब यहाँ नहीं कर सकते। हमने रोकने की कोशिश की मगर उसने रात होते ही हमें आग लगा के मार दिया। हमने किसी तरह आपको बचा लिया मगर खुद को नहीं बचा सके, और उसको हमने अपने गांव से तो भगा दिया मगर वहाँ रासायनिक तत्व दूसरे गांव में बेच के अमीर हो गया और वहाँ के गांव बर्बाद हो गए। अब गांव के लोगों को यहाँ मालूम चलता है कि तो काफ़ी निराशा होती है कि हमें पता करने की कोशिश भी नहीं की, बस यही सोचने रहे कि यहाँ सिर्फ घटना है। अब वहाँ सारी आत्माएं एक एक करके उस डाकू के शरीर से निकलती है और धीरे धीरे सबको मुक्ति मिल जाती है, मगर सुयश आखिरी समय में उस डाकू को मार देता है। यहाँ तक भूतिया हवेली की कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको यहाँ कहानी पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।